हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 25 पेंशन की एक और न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी की टीम के बारे में। एनएससी की टीम जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है इस समय, एनएससी की टीम ने जिस प्रकार से प्रयास किया है ईपीएस 95 पेंशन के लिए, अगर आप ये समझ लें कि सीबीटी की बैठक हो गई है, मतलब कि एनएससी की टीम फ्री हो चुकी है, अब एनएससी की टीम को कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना, एनएससी की टीम ने पहले से भी दबाव बना के रखा था और एनएससी की टीम अभी भी दबाव बनाने में ही लगी हुई है। लगातार ईपीएफओ कार्यालय के घेराव किए जा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार आंदोलन किया जा रहा है और तो और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। तो ये है ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर जब अगर मान लीजिए सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाती है टीम, तो कभी भी आप फैसला जो होता है उनके हाथ से निकल सकता है, ईपीएस 95 पेंशन को वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए माननीय कमांडर अशोक राव जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी मीटिंग के बाद मैंने आपको बताया तकरीबन 1 से 1.5 लाख जो तो ईपीएस 95 पेंशन से इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन की संख्या इकट्ठी होगी ना, वो ईपीएस 95 पेंशन सब इकट्ठे होकर ईपीएस किस कौन सा कदम आगे उठाना है उस पर विचार करेंगे, साथ ही साथ किस प्रकार से अपने आंदोलन को आगे तीव्र करना है, किस प्रकार से बढ़ा के रखना है। देखिए, जो बिल है, जैसे कि भाई सीबीटी की बैठक हुई, सीबीटी की बैठक में संसद में पेश करने की बात यह है कि टोटल जो तो फाइलों को संसद में पेश किया जाएगा और कुछ फाइलों पे काम चल रहा है, पेंशन संशोधन पे भी पूरी तरीके से काम चल रहा है, जो 73 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो लाभान्वित हो रहे हैं उन पे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो बिल को रखा जाए, सरकार तक वो बात पहुँचे रहे ताकि वो बिल पास हो जाए, ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन को पास कर दिया जाए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन की बात चल रही है और मिनिमम पेंशन की बात जो तो माननीय कमांडर अशोक राव जी स्वयं अपने हाथ में लेके चल रहे हैं उसको, कि हम जो तो उसको पूरी तरीके से, चाहे मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, सांसद, विधायक कोई भी हो, सभी के पास में ज्ञापन दे रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सांसद हो स्वयं श्रीमती हेमा मालिनी जी को साथ में, तो मतलब ये बहुत लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कई राज्यों के सांसद होंगे, मंत्री, मिनिस्टर होंगे, वो सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं 95 पेंशन को, तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने की भी बात करें। आशा उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी जानकारी तो हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।